हमारी देश की संस्कृति एवं वर्ल्ड के जितने भी अन्य कंट्रियां हैं उन अलग अलग कंट्रियों की संस्कृतियां भी अलग अलग हैं। जहां हमारे भारत देश में जो संस्कृतियां हैं वो राम, हनुमान, महावीर, आदिनाथ आदि आदि महापुरुषों से जुड़ी हुई हैं, वहीं अपन देखें विदेशी संस्कृतियां जहां पर हमें पाश्चात्य संस्कृति से जोड़ देती हैं, उन्हीं में से एक वैलेंटाइन डे। आज 14 फरवरी है और जिसे सारा मतलब विदेश में विदेशी लोग और विदेशियों को देख देख करके हमारे स्वदेशी लोग भी है ना, जिस उनमें बड़े बुजुर्गों को नहीं कहेंगे, बड़ी महिलाओं को नहीं कहेंगे, इस संस्कृति जिसका नाम वैलेंटाइन डे है, लड़के और लड़कियां ही इस त्यौहार को मनाते हैं, क्योंकि इस त्यौहार में उनके मन की बात है, उनके अपना खुद का स्वार्थ है और आज के दिन उन्हें एक मौका मिलता है, उन्हें आज़ादी सी मिल जाती है, उन्हें अपने प्यार का इजहार करने का समय मिल जाता है और लोग इस वैलेंटाइन डे को त्यौहार की तरह मनाते हैं। अब अपन देखेंगे कि आधे लोग इसका विरोध करते हैं, आधे लोग इसका समर्थन करते हैं। आज के दिन बच्चे बच्चियां पार्कों में, गार्डन में ना मिलते हैं और एक दूसरे को गुलाब देते हैं और वैलेंटाइन डे मनाते हैं। अब अपन देखें, लोगों ने पूछा आपका क्या पक्ष है, आपका क्या मानना है, तो मैंने कहा कि किसी को मारने से, किसी को पीटने से है ना, हम ये नहीं कह सकते हैं कि तुम्हारे मार से लोग इसको मनाना बंद कर देंगे, पर मैं ये कहता हूँ कि इसका रूप चेंज कर देते हैं। इसे वैलेंटाइन डे को मनाना है तो मात्र इसे लड़कियों को ही गुलाब क्यों दें, लोग तो लड़के कहते हैं कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और इस लड़की से प्यार करता हूँ तो मैं इसको गुलाब दे करके इजहार करूँगा। तो ये बताओ, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है तो क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? अगर 9 महीने माँ ने पेट में रखा है तो एक गुलाब माँ को ला के दो और मनाओ वैलेंटाइन डे कि मैं, हे माँ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, मैं तुम्हारी कभी आन मान शान में अंतर नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हें कभी शर्मसार नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं करूँगा, मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, है ना। एक गुलाब जिस पिता ने अपनी सारी जिंदगी अपना भूखे रह करके अपने सारे शौक को है ना एक तरफ रख करके तुम्हें पाला है, तुम्हें पोसा है, तुम्हें पढ़ाया है, तुम्हें बढ़ाया है, तो एक गुलाब अपने पिताजी को ला के दे दो, हे पिता, मैं कभी तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा, मैं कभी तुम्हें इस प्रकार का कोई काम नहीं करूँगा कि तुम समाज के बीच में किसी से आँख ना मिला सको, है ना, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी परंपरा को आगे बढ़ाऊँगा, मैं तुम्हें सम्मान दूँगा, सम्मान दिलाऊँगा, है ना। एक गुलाब उसको दे दो, एक गुलाब अपनी बहन को दो, बहन को दो और बहन को ये दो कि हे बहन, मैं तुम्हारी आबरू की रक्षा करूँगा, मैं तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा करूँगा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारे सुख में दुख में तेरे साथ खड़ा रहूँगा, एक गुलाब उसको दे दो। इस प्रकार से हमारे जो जितने रिश्ते हैं, हम उन रिश्तों को जिंदा रखना चाहते हैं तो उनको खुश करने के लिए, उन्हें खुशी देने के लिए आप एक गुलाब उनको दे करके और वैलेंटाइन डे को मना सकते हो। और मनाना ही है तो, और वैसे ये संस्कृति हमारी नहीं है, ये त्यौहार हमारा नहीं है, ना हिंदुओं का है, ना जैनों का है, ना सिखों का है, ना किसी का है, ये त्यौहार विदेशी था, विदेशी है, विदेशी रहेगा। इसलिए हम सबको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वैलेंटाइन डे कोई ऐसा डे नहीं है जिसको, जिस संस्कृति को हमारे पुस्तकों में, हमारी बाइबल में या हमारे किसी प्रकार के कुरान में या किसी प्रकार के रामायण में, महाभारत में या जनवाणी में किसी प्रकार के मनाने की आज्ञा नहीं है, पर हम लौकिक रूप से यदि मनाना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा है
आप माँ के साथ मनाओ, पिताजी के साथ मनाओ, बहन के साथ मनाओ, भाई के साथ मनाओ, है ना, जिससे कि आपके साथ खुशियाँ जुड़ जाएँ, खुशियाँ जुड़ जाएँ और किसी को बुरा भी ना लगे और कोई आपको हे दृष्टि से ना देखे, टेढ़ी दृष्टि से ना देखे, आपका सम्मान करे, ऐसी भावना हम रखें। और सभी के लिए मेरा आशीर्वाद।